बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 26 मई 2024 इतवार का दिन, ये वो दिन है जहां आज की हैंडिंग ओवर सेरेमनी की जाएगी पैरागॉन टावर्स की। मेरे बिल्कुल पीछे आपको ये बरकी कुमकुमों के साथ जगमगाता पैरागॉन टावर नजर आ रहा है और तकरीबात जो है वो भी शुरू होने वाली है पैरागॉन टावर्स की। बिल्कुल आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, अभी बस थोड़ी देर में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। आज पैरागॉन टावर्स बी के तमाम ही जो लोग आए हैं उनको जो है वो की दी जाएंगी और कल से वो यहाँ पर आपको शिफ्ट मिलेंगे। बहुत शानदार, जानदार और जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है। आज के इवेंट में आपको देखने को मिलेगा जो खसूसी मेहमान है मानी हीरा एंड मानी, उनसे कोशिश करेंगे हम उनका इंटरव्यू भी करें। आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो कि चेयरमैन है उनका इंटरव्यू भी करें और जो CEO है अनम मैम उनका इंटरव्यू भी करें, क्योंकि बहुत सारे अवामी सवाल हैं जो मैंने उनसे पूछने हैं, वो सवालात जो आप पूछते हैं। ये पीछे इवेंट की जो तकरीबात है वो आखिरी मराहिल में है, आप देख रहे हैं बड़ा शानदार इवेंट होने जा रहा है और आज पूरे बैरिया टाउन का जो सारा रश है वो पैरागॉन डेवलपर्स की तरफ आ चुका है। तो बस आपको, आपने हमारी वीडियोस को आखिर तक देखना है। हम कस्टमर रिव्यू भी करेंगे, जिन लोगों को कीज मिलेगी उनके साथ बात भी करेंगे, बहुत कुछ आज आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरा जो एपिसोड है ये तकरीबन 4 से 5 व्लॉग पर मुश्तमिल होगी, तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। पैरागॉन टावर बी के पोजीशन का ऐलान कर दिया गया और आज जो मेहमान हैं सबके दिलों की जान मानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कैसे हैं आप? क्या है ये बताएं कि पैरागॉन ने जिस तरह के भी हालात रहे काम जारी रखा, टावर बी का पोजीशन दे दिया गया। मैम पैरागॉन की जो मैनेजमेंट है उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया, जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम है आपका? बिल्कुल, इनके टावर सी आई थिंक शुरू हो गया बनना, तो आप बिल्कुल बुक कराएं और जो टाइम ये वादा करते हैं उसी टाइम पे डिलीवर करते हैं। इनकी बेस्ट बात ये है और मैंने खुद अपनी आंखों से आके देख लिया। बहुत अच्छी लगी, बहुत अमेजिंग लगी और बिल्कुल अच्छी है, कमाल। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन, आपने बुकिंग पर पैरागॉन ने कब्जा देने का ऐलान किया है, बहुत सारे लोग बड़ी अमाउंट नहीं रखते, तो इस फैक्टर को आप किस तरह एलैबोरेट करेंगे लोगों के सामने कि बुकिंग दीजिए और पोजेशन लीजिए? मानी ये कैसे होता है? ये बस ये तो आप इसकी इंतजामिया से पूछ सकते हैं, मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, लेकिन ये कि इस कीमत में जो है वो आपको इतना स्टेट ऑफ द आर्ट अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पैरागॉन टावर बी पोजीशन का जो पोजीशन है बी का वो दे दिया गया है और इस वक्त जो तकरीबात है वो चल रही है, की हैंडिंग ओवर सेरेमनी भी हो चुकी है। मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन पैरागॉन डेवलपर्स सर आफ्ताब सिद्दीकी साहब। सर आपके वक्त का पहले तो शुक्रिया, और आप कैसा फील कर रहे हैं सर? आपने जो एक बीज बोया था आज वो फलदार दरख्त बन चुका है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, 2021 में जब हमने इसको लॉन्च किया था कि 4 टावर हैं, 19 एकड़ की ये लैंड है जिसमें 20% जो है सिर्फ टावर का एरिया है और 80% जो है ओपन स्पेसिस हैं,
और ये गेटेड कम्युनिटी है और गेटेड इन्वायरमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है ना बेहतर अच्छी है और यहाँ लोग फील करते हैं जैसे वो घरों में रह रहे हैं। अगर आप कराची से कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आफ्ताब साहब, आपने टावर ए को पोजेशन दिया तो धूम बढ़ गई जी, पैरागॉन ने ये काम कर दिया बिफोर टाइम। अब टावर बी उसका भी ऐलान हो चुका है सर, एक तो अभी अब तो सीन इज ब्लेमिंग वाला मामला है, टावर सी कब तक आप डिलीवर कर देंगे, जो रेजिडेंट जो हमारे कस्टमर है उनके लिए क्या पैगाम है? अच्छा, टावर बी जो है हमने फरवरी से देना शुरू किया था, आज ऑफिशियली कीज है, हैंडओवर की है और टावर सी इसी साल इंशाल्लाह मुकम्मल कर रहे हैं। लास्ट इसकी स्लैब जो है इन प्रोसेस है, तो इस साल टावर सी भी हम हैंडओवर कर देंगे। सर, टावर बी में वन बेडरूम भी है और उसमें भी ये पैगाम दिया गया इंतजामिया की जाने से कि आप फुल पेमेंट पे करें तो आपको उसका पोजेशन मिल जाएगा, क्योंकि टावर बी फुली रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या टावर बी वाले लोग हैं जिस तरह बी के टू बेडरूम वाले हैं या ए के टू बेडरूम वाले हैं, आप कम पेमेंट करने पर भी पोजेशन दे रहे हैं, तो क्या वन बेडरूम में भी ऐसा कोई प्लान है सर? ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, हमारी मार्केटिंग टीम को और सीईओ जो है उनको पता है, है। कि वो अगर कोई समझते हैं कि कोई कस्टमर ऐसा है कि जिसको फिल पर कोई प्रॉब्लम है या कोई अरेंजमेंट्स होने वाले हैं तो उसको एकोमोडेट कर लेते हैं। आप देखेंगे कि पिछले 3 साल में जिस तरह बेइंतहा एस्केलेशन आई है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ही नहीं पाकिस्तान में हर चीज़ की कॉस्ट डबल से ज़्यादा हो चुकी है और प्राइवेट सेक्टर में आप देखें कि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो रहा, जो लॉन्च हुए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला ये प्रोजेक्ट है बजट टाउन में भी कि जिसको हमने हैंडओवर किया है। सर, दो बड़े ऐलानात आज आपने किए जो कि कोई कहीं कमिटमेंट उसकी की नहीं गई थी, ये बड़ा ज़बरदस्त आपका इनिशिएटिव है कि आपने मस्जिद और जिम जो पैरागॉन के रिहायशी हैं उनके लिए ऐलान किया है। सर, अब ये बता दें कि टावर डी, क्योंकि वो लोग भी हमारी सारी वीडियो देखते हैं, टावर डी कब तक डिलीवर कर दिया जाए? इंशाल्लाह अर्ली नेक्स्ट ईयर मार्च का हमारा प्लान है और ये थोड़ा सा इसमें डिले हुआ है बिकॉज ऑफ द रीजंस के कोविड भी था और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी का इशू था मटेरियल की, इस वजह से थोड़ा सा 3-4 महीने ये डिले है, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक हम इसे हैंडओवर कर देंगे, मार्च नेक्स्ट ईयर। अफ्ताब साहब, आखिरी सवाल आपसे, सर जिस तरह एस्केलेशन बढ़ी है, आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है क्योंकि बजट हमारे सर पर है, क्या ये ऐसा तो नहीं होगा कि जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने टावर ए और बी में दी है, महंगाई बढ़ने से आप कहीं ना कहीं सी और डी में लॉस से बचने के लिए कंप्रोमाइज करें? देखें, एस्केलेशन तो टावर ए के हैंडओवर जब करें तो उस वक्त आ चुकी थी, राइट, क्योंकि इसी हमने पिछले साल हैंडओवर किया उस वक्त हो चुका था, पिछले 2 साल से ये प्राइसेस बढ़ी हैं और इस वक्त भी प्राइस बढ़ चुके हैं, उसके बावजूद हमने टावर बी हैंडओवर किया है, बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नादिन, आपने चेयरमैन पैरागॉन डेवलपर्स आफ्ताब सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू सुना, मेरे बाएं जानिब जो है वो आपने देखा कि बड़ा कुछ है, आज टावर बी के पोजेशन का ऐलान किया गया है, की हैंडिंग ओवर सेरेमनी की गई है। आप लोगों का अगर अपार्टमेंट है तो अब आप रेजिडेंट होंगे पैरागॉन डेवलपर्स के टावर बी के, और अभी भी हम आपको बता दें कि आपको 1 बेडरूम 2 बेडरूम आसान इंस्टॉलमेंट पर मिल सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपके पास सिर्फ बुकिंग अमाउंट है और आप कब्जा चाहते हैं तो फिर जिस जगह आप मुझे देख रहे हैं ये बेहतरीन जगह है, सिर्फ बुकिंग की अदायगी करने पर आपको 2 बेडरूम मिलेगा कब्जे के साथ 1400 स्क्वायर फीट वाला, और आप अपने ही अपार्टमेंट में रहेंगे और यही अपार्टमेंट में रहते हुए किस्तें अदा करेंगे। पैरागॉन डेवलपर्स के मुताबिक बुकिंग के लिए मालूमात के लिए हमारे जो टीम के नंबर नीचे आ रहे हैं यहाँ पर रब्ता कीजिए, और आज इजाज़त दीजिए पैरागॉन की साइड से, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पैरागॉन टावर बी के पोजेशन का ऐलान कर दिया गया, इस वक्त मैं साइट पर मौजूद हूँ, बड़ा शानदार इवेंट किया गया जिसकी सरबराही जो ग्रुप है चेयरमैन पैरागॉन उन्होंने किया, आफ्ताब सिद्दीकी साहब। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जो कि सीईओ हैं पैरागॉन डेवलपर्स की, मैडम अनम, मैडम आपका शुक्रिया आपने वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम मैम, एक और ख्वाब जो है उसकी ताबीर हो गई है, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी का भी मौका है, फखर का भी मौका है कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमने ये टावर ए की पोजेशन दी थी, वो बल्कि वक्त से पहले हमने पोजेशन दी थी, और ये अब हमारा टावर बी भी मुकम्मल हो चुका है। हमने इसकी भी पोजेशन अब से कुछ महीने पहले शुरू कर दी थी, हमने तकरीब कुछ दिन बाद अभी हमने की।
टावर ए और अब टावर बी, अब टावर बी में भी रेजिडेंट्स आ जाएंगे इंशाल्लाह, और गेटेड कम्युनिटी है इस पर मैंने बहुत दफा बात की है और बड़ा लोगों ने सराहा भी है। अच्छा, अब टावर सी को कब कब्जा दिया जाएगा? टावर सी को भी जल्द इसी साल के आखिर तक इंशाल्लाह। और जो टावर डी है उसका पोजेशन आप कब तक दे देंगे लोगों को, क्योंकि दोनों ही व्यूवर्स हैं हमारे, सी वाले भी और डी वाले भी, उनके लिए भी जरा पैगाम दे दें। डी भी इंशाल्लाह उसके बाद, जिस तरह चेयरमैन ने भी अनाउंस किया, उसके भी चंद माह के बाद। मैम ये बताइए, एस्केलेशन चार्जेस लग सकते हैं टावर सी और टावर डी पर? नहीं, महंगाई जितनी भी हो अल्लाह ना करे, आप उसी प्राइस में देंगे इंशाल्लाह। कोशिश देखें इंशाल्लाह, हमने पहले भी कोई ऐसी चीज फोर्सी नहीं की थी। बिल्कुल ठीक है, हमने टावर ए पे भी यही किया कि बगैर एस्केलेशन के किया, हमने टावर बी की भी एस्केलेशन वेव ऑफ कर दी। जबरदस्त, जिंदाबाद। और इंशाल्लाह सी डी पे भी हमारा कोई इरादा नहीं है, अल्लाह ताला साथ दें, आप सब साथ दें, तो इंशाल्लाह। मैम आपने जो काम आपकी टीम ने किया है वो काबिले तारीफ है, कि बैरिया की मार्केट अप डाउन थी, मईशत हचकोले खा रही थी, लेकिन आप लोगों ने वक्त पर उसी क्वालिटी के साथ डिलीवर किया। मैं इसका बड़ा बहुत दफा इतराफ अपनी वीडियोस में कर चुका हूँ। अच्छा मैम, टावर बी में वन बेडरूम भी मौजूद है, अब क्या उनको जो पोजेशन है वो फुल पेमेंट पर ही मिलेगा या उनके लिए कोई पॉलिसी को रिलैक्सेशन है? नहीं, हम कर सकते हैं वो, हम केस टू केस बेसिस देखा जाता है। तो अब अगर कोई हमारे व्यूअर्स वन बेडरूम वाले हैं, वो देख रहे हैं, वो चाहते हैं कब्जा, लेकिन इस तरह के पॉलिसी मैटर्स पे यूजुअली मैं नहीं कमेंट कर रही होती, बट लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी जी ऐसा नहीं, जी जी अभी भी कुछ हैं लोग जो पोजेशन हासिल करके और साइड बाय साइड चल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है। मैम जब ना तकरीबात होती है, चेयरमैन साहब आते हैं, ये अमूमन पाकिस्तान या ममालिक में रवाज है, वो ऐलानात करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आज भी ये दो ऐलान हुए हैं मस्जिद का और जिम का, क्या ये ऐलानात ही हैं, ये अमली शक्ल में हमें कब तक नजर आएंगे? आप मुझे बताइए, आपको हमारा यहाँ पे ये दो टावर्स खड़ा देख के आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह बिल्कुल, आप मस्जिद का ऐलान ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐलान कर दें और मस्जिद फिर ना हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हमारी जगह भी डेजिग्नेटेड है, जिस जगह पे हमारी मस्जिद आएगी इंशाल्लाह। मैम आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और इंशाल्लाह हम ये दुआगो हैं नाज़रीन आप लोगों से भी कि पैरागॉन ने एक काम तो किया है, वक्त पर डिलीवरी और जो कहा था। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं, मैं आपको बताऊं, जो हमने कमिट किया था, हमने सेंट्रल पार्क कमिट नहीं किया था। यस, पर आपने हमने वो दिया, तरीके हमने वो दिया, तो इस वजह से जो चीज हमने अगर मस्जिद कमिट की है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ना करें। और इंशाल्लाह यहाँ पे इतने रेसिडेंट्स होंगे, तो आगे बाकी करीब में है मस्जिदें, लेकिन लोगों को कन्वीनियंस नहीं है रमजान में तरावी पढ़ सके, इस तरह की कन्वीनियंस बिल्कुल हम लेना चाहते हैं और बरकत होगी इंशाल्लाह। मैम आखिरी बात, हम वीडियोस करते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि आप बुकिंग करवाएं, आपको मैडम अनम की बदौलत और चेयरमैन साहब की यानी उनकी एक जबरदस्त ऑफर है कि जी आप सिर्फ बुकिंग दीजिए और आपको अपार्टमेंट का पोजेशन मिलेगा। अब जो हमने आज तक वीडियोस में कहा, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कहा हुआ आप लोगों ने यहाँ करके दिखाया, वो टावर ए हो नाजरीन, टावर बी हो। अब नाजरीन को ये बता दें कि एज अ सीईओ आप इस ग्रुप की, कि पैरागॉन डेवलपर लेना कैसा है, क्योंकि आप सीईओ हैं, लेकिन असल हकीकत ही बता दें कि हम जो कह रहे थे वो कितना फीसद दुरुस्त साबित हुआ है। भाई जो हमने कमिटमेंट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कमिटमेंट पे तो हम पूरा ही उतरे हैं, उससे बल्कि आगे बढ़ के हमने कोशिश की है। छोटी से छोटी चीजें हो, जिस तरह हमने इवन अगर टावर ए में जो हमारा कोर्टयार्ड है तो उसमें हमने छोटे बच्चों का प्ले एरिया किया था, टावर बी में हमने उससे एक डिफरेंट ओपन एरिया कर दिया उसको ओपन, क्योंकि मुझे यही महसूस हुआ कि बच्चे जो है वहाँ पे डेवलप चीजें, कुछ लोगों को बल्कि शायद लगा कि हमने जो है ना टावर ए से स्टेप बैक किया, वो उसका मकसद ये नहीं था, उसका ओपन एरिया बच्चे भाग दौड़ चाहते हैं खेलने के लिए, फिर वो प्ले एरिया जो किया वो और बड़े बच्चों के लिए किया। इसी तरह से हम डिफरेंट, एक में बैडमिंटन कोर्ट होगा, एक में टेनिस कोर्ट होगा, एक में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम सी और डी में भी, ताकि वो रेसिडेंट्स एक टावर के दूसरे में जा सके। बिल्कुल, क्या अभी भी बुकिंग पर कब्जा मिल जाएगा? बुकिंग करवाएं, डाउन पेमेंट दें और कब्जा ले मिल सकता है, जो पॉलिसी चल रही है इंशाल्लाह, जो चीज हमारी तरफ से कमिट होती है, अगर आपको ये ऑफर हमारी तरफ से है तो बिल्कुल हम वो बिल्कुल पूरा करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं है कि हम कोई ऑफर निकालें और उसको ऑन ना करें। बिल्कुल जी नाज़रीन, मैं आपको बहुत शुक्रिया, आपने बन दिया, अभी भी बुकिंग पर आपको कब्जा मिल सकता है पैरागॉन डेवलपर्स में, हमारी टीम के नंबर आप स्क्रीन पर, आप हमसे रابطہ कीजिए और इस गेटेड कम्युनिटी में खुद को रेजिडेंट बनाइए।